आज हम बीटरूट के लड्डू बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने 3 बीटरूट लिए हैं, इसे मैंने धोकर साफ कर लिए हैं। अब मैं इसके छिलके निकाल दूंगी। ये हमने छील लिए हैं, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने एक कुकर लिया है और कुकर में हम इसे डाल देंगे और हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और गैस को ऑन करेंगे। कुकर को बंद करके हम 1 सीटी लगा देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है, अब हम इसे छीनेंगे। तो छीनने के लिए छीनी ली है। ये देखिए, इसी तरह से हम सब छीन लेंगे। ये हमने छीन लिया है, अब हम इसे सेकेंगे। सेकने के लिए हमने कढ़ाई को चढ़ा दी है गैस पर। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से सेकेंगे। ये हमने सेक लिया है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये हमने 2 कप दूध लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे स्लो गैस पर। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। ये हो गया है। ये हमने 1 कटोरी चीनी ली है, इसे डाल देंगे। ये हलवा हो गया है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे और गैस को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो गया है, हम इसके छोटे छोटे बॉल बना देंगे। ये मैंने खोपरा का छीन लिया है। इसी तरह से हम सब बॉल बना देंगे। ये हमारे सारे बॉल बन गए हैं, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और ठंडे ठंडे सर्व करेंगे। 1 घंटे के बाद हमारे बीटरूट के लड्डू सेट हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।